आज हमारे योग विशेषज्ञ हैं स्वामी विद्यानंद, जो कि वर्षों से देश विदेश में इस विद्या का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी, अनिद्रा क्यों उत्पन्न होती है? अनिद्रा जो है, सबसे अधिक हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, तीन प्रकार के कारण होते हैं। शारीरिक रूप से असंतुलन जब पैदा होता है, प्राणिक रूप से असंतुलन जब पैदा होता है, और मानसिक रूप से जो असंतुलन है जब पैदा होता है, तब हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे प्राणों में अनिद्रा का एक प्रकोप हमारे अंदर प्रारंभ हो जाता है। और इसके लिए जो है, हमारे योग में आसन हैं, और जिनके माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से शरीर को शुद्ध करते हैं। तो पहला आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन, और इसमें हम सीधे सुखासन में बैठे होते हैं और पैरों को फिर हम सीधे कर लेते हैं। पैरों को सीधा करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को हम ऊपर उठाते हैं और श्वास को भरते हैं, गहरा श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं और दोनों हाथ पैरों से पकड़ते हैं, पूरी तरह से आंखें बंद रखते हैं। हमारे शरीर में कई हिस्सों पर हल्का हल्का दर्द होगा, जहाँ जहाँ अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा है वहाँ वहाँ दर्द होगा, उस पर पूरा मन को एकाग्र करें। यहाँ पर नॉर्मल श्वास हमारा चलता रहेगा और जब हम बाहर ऊपर की तरफ आएंगे तब गहरा श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और फिर सांस को रिलैक्स छोड़ देंगे। ये हमारा पश्चिमोत्तान आसन करने का विधि है। स्वामी जी, अब आप हमें ये बताइए, प्राणिक क्रियाओं का असंतुलन क्या है और इसे योग द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है? प्राणिक असंतुलन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, जब उत्पन्न होता है, जब हमारे अंदर जो उग्र जो भाव होते हैं, और जब भाव उत्पन्न होते हैं, भय का भाव हुआ, क्रोध का भाव हुआ, ईर्ष्या का भाव हुआ, ये जब भाव उत्पन्न होते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राणिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही प्राणिक ऊर्जा एक प्रकार से जब पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती, एक्सप्रेस नहीं हो पाती, तो यही अशुद्धि के रूप में हमारे प्राण के अंदर रुक जाती हैं और इसकी वजह से प्राणिक असंतुलन पैदा होता है। और प्राण की शुद्धि के लिए हम कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। कपालभाति प्राणायाम को हम इस प्रकार से करते हैं, श्वास को पूरी तरह से हम एक्सहेल करने पर जोर देते हैं, लेने पर हम जोर नहीं देते। इसमें, इस मुद्रा में मुट्ठियों को हम दोनों बंद करते हैं और गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद करते हैं और बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए वो हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जब नीचे की तरफ एक्सहेल करते हैं तो हाथ को प्रेस करते हैं, इस तरह से जो है हम अभ्यास करते हैं। इस क्रिया के पश्चात हमें कंपन क्रिया करना चाहिए और कंपन की इस क्रिया को समाप्त करने के बाद हम इस प्रकार से कंपन करते हैं, आंखें बंद और सरल भाषा से, बिल्कुल सरल भाव से, सरल तरीके से, बिल्कुल स्वाभाविक में हम अपने हाथों को कपाते हैं। और बहुत से लोग कपाते हुए दोनों हाथ ऊपर रहने चाहिए और जब थक जाएँ तो हाथों को नीचे भी कपा सकते हैं। कम से कम एक मिनट तक इसे करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना करना।